आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। T20 विश्व कप 2021 में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 3 पारियों में 34.50 की औसत के साथ महज 69 रन बनाए। टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं मिला। विश्व कप की समाप्ति के बाद जब हार्दिक पांड्या स्वदेश लौटे तो मुसीबत में फंस गए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हार्दिक पांड्या से 2 घड़ियां जब्त कर ली जिनकी करोड़ों में कीमत बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल गई। ये जानकारी सामने आई कि हार्दिक पांड्या के पास इन घड़ियों का बिल नहीं था, जिसके बाद कस्टम विभाग ने घड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब खुद भारतीय ऑलराउंडर ने इस मामले में सफाई दी है। हार्दिक ने बताया कि घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए थी। हार्दिक पांड्या ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि 15 नवंबर को दुबई से जो सामान खरीद कर लाया था उसकी कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम काउंटर पर गया। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैंने खुद सभी सामान की जानकारी एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम अधिकारियों को दी है, हार्दिक पांड्या ने आगे लिखा। सोशल मीडिया पर जो घड़ियों की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है वो गलत है। घड़ी 1.5 करोड़ रुपए की है। मैं देश के कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और सरकार की भी सभी एजेंसियों का सम्मान करता हूं। आईपीएल मैचों के दौरान हार्दिक पांड्या फिलिपी नॉटल्स प्लैटिनम 5711 घड़ी पहने दिखे। इस घड़ी की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। साल 2019 में हार्दिक पांड्या हॉस्पिटल के बेड पर सोने की घड़ी पहने नजर आए थे। क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।